हेलो फ्रेंड्स, योगा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अल्सर के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। अल्सर क्या होता है, अल्सर क्यों होता है, अल्सर से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, और अगर अल्सर हो गया है तो कौन से वो घरेलू उपाय हैं जिनसे अल्सर को जड़ से खत्म किया जाए। इन सभी विषय पर आज चर्चा करेंगे, तो फ्रेंड लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। हो सकता है जो आपको जानने योग्य, सुनने योग्य बात हो वो आपने स्किप कर दी हो। तो आपसे यही निवेदन है, आप किसी की भी अगर ऐसी वीडियो देखते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, तो उसकी वीडियो स्किप करके ना देखा कीजिए। तो फ्रेंड चलिए जानते हैं अल्सर क्या होता है। अल्सर एक प्रकार का घाव या छाला है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में कहीं भी हो सकता है। वो मुंह में भी हो सकता है, मुंह में भी छाला हो सकता है, या हमारे पेट में भी कहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं पेट के अल्सर की। पेट में अल्सर कैसे पहचाने हम कि पेट में अल्सर है, पेट के कौन कौन से अल्सर होते हैं, उन सभी के विषय में बात करेंगे। नंबर एक फ्रेंड पेट का अल्सर, नंबर एक गैस्ट्रिक अल्सर। हाँ जी फ्रेंड, जो हमारी आहार नली में होता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। और नंबर दूसरा है ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है, ये हमारे पेट के आंतों के अंदरूनी हिस्से में होता है, इसको कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। हाँ जी फ्रेंड, ये हमारे पेट और आंतों के अंदरूनी हिस्से में होता है। तो पेट के दो अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। फ्रेंड्स, एम्स के जो डॉक्टर हैं उनके अनुसार ये अल्सर आपको कई कारणों से हो सकता है, जिसमें सबसे अहम होता है शरीर में पोषक तत्वों की कमी। हाँ जी फ्रेंड, एम्स के डॉक्टर ने माना है कि अल्सर का कोई मुख्य एक रीजन नहीं है, अल्सर कई कारणों से हो सकता है, जिसमें सबसे अहम है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी, दवाओं के साइड इफेक्ट से भी पेट का अल्सर हो सकता है, तनाव या डायबिटीज की वजह से भी आपको अल्सर हो सकता है, और अगर आपके खाने पीने की आदतें गलत हैं, आप बाहर का ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो भी आपको पेट के अल्सर होने की संभावना है। आप शराब और धूम्रपान का ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी आपको चांस है कि अल्सर हो जाए। कुछ इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे फ्रेंड तो अल्सर से बचे रहेंगे। अब ये जानते हैं कि अल्सर से कैसे बचाव किया जाए। अल्सर अधिकांश खाने पीने की आदतों से होता है, खाने पीने की आदतों से जुड़ा होता है फ्रेंड। तो अगर आप शराब धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे, पानी का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए, मसालेदार खाने से बचिए, अपने वजन को कंट्रोल कीजिए, नियमित अपने शरीर की सफाई रखें, तो शायद आप अल्सर से बच सकते हैं। चलिए फ्रेंड अब ये जानते हैं कि अल्सर को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, वो क्या क्या उपाय हैं जो करके हम अल्सर से बच सकते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड हल्दी। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। अगर आप 1 गिलास हल्दी वाला पानी रोजाना सुबह पीते हैं, वो आपके अल्सर के लिए, आपके घाव को भरने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। नंबर दो फ्रेंड ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का नियमित सेवन करने से अल्सर के घाव में फायदा होता है, अल्सर का घाव धीरे धीरे ठीक होता है। या ब्रोकली, ब्रोकली का सेवन आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। ब्रोकली भी अल्सर के लिए बहुत ही फायदेमंद वेजिटेबल है। नंबर तीन है फ्रेंड प्रोबायोटिक कैटेगरी वाली चीज़ें खाइए, जिसमें प्रोबायोटिक कैटेगरी वाली चीज़ें मतलब जिसमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि दही। दही में आपको अच्छे बैक्टीरियाज मिलेंगे, दही का सेवन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, या जो अल्सर पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दही खाने से जो हमारी बॉडी में सूजन होती है अल्सर की वजह से, या किसी भी वजह से अगर कोई सूजन आ गई है, घाव है, तो उसके लिए बहुत ही गुणकारी होती है दही। तो दही का नियमित दिन में सेवन कीजिए। फाइबर वाली चीज़ों का आप अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें तो आपके अल्सर के लिए बहुत ही अच्छा है, और जिनको अल्सर नहीं भी हुआ है उनको नहीं होगा। तो ये फाइबर वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, नाशपाती, सेब, दलिया, ओट्स, ये सब फ्रेंड फाइबर वाली चीज़ें होती हैं। फाइबर क्या होता है, फाइबर हमारे खाने की थैली में जो एसिड बनता है ना, उसको कम करने में मदद करता है, उसको कम रखता है, और एसिड कम बनेगा तो हमारी जो खाने की थैली की लाइन है वो डैमेज नहीं होगी, वो उसको डैमेज करने से बचाएगा।
अगर एसिड नहीं बनेगा तो हमारी जो खाने की थैली है, हमारी जो आहार नली है, वो डैमेज नहीं होगी। अगर डैमेज नहीं होगी तो वो अगर अल्सर हो गया है तो उसको ठीक करने में, हील करने में मदद करेगा, और अगर अल्सर नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स हमें अल्सर नहीं होगा। तो इसीलिए आप फाइबर वाली चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक करें। आप स्वीट पोटैटो और गाजर इन दोनों का जूस भी पी सकते हैं, या स्वीट पोटैटो गाजर को बॉयल करके भी खा सकते हैं। ये अल्सर की हीलिंग में सबसे अच्छी भूमिका निभाते हैं। मुनक्का फ्रेंड 4 से 5 मुनक्का रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसका सेवन कीजिए। इससे अल्सर में होने वाली जलन और उल्टी से आराम मिलता है। हींग का नियमित सेवन कीजिए, रोजाना लहसुन की 2 से 3 कलियों का सेवन कीजिए। हींग और लहसुन जो आपके पेट में एसिडिटी बनती है उसको नहीं बनने देगा, और जिससे आपका जो हीलिंग प्रोसेस है अल्सर का वो जल्दी रिकवर होगा। और रोज एक सेब खाएं फ्रेंड, जैसा कि अभी बताया है सेब में फाइबर होता है, तो रोज एक सेब खाएं जिससे पेट के अल्सर से प्रभावित होने की समस्या हमारे लिए बहुत कम हो जाती है। तो फ्रेंड इन सब कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अल्सर से बचे रहेंगे। अल्सर कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है फ्रेंड, लेकिन अगर शुरुआती लक्षणों में हम इसे समझ पाते हैं तो हमें ठीक होने में बहुत सहयोग मिलेगा। और आप अगर आपको अल्सर ज़्यादा हो गया, आपको तकलीफ ज़्यादा है, तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और डॉक्टर जो भी सलाह देता है उसको मानिए, क्योंकि शुरुआती अल्सर ठीक हो जाता है, लेकिन यही अल्सर अगर धीरे धीरे बिगड़ने लगे तो किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो फ्रेंड ये शुरुआती लक्षण पहचान के, आपको उल्टी हो रही है, आपको खाना हजम नहीं हो रहा, आपको बदहजमी है, आपको खट्टी डिकारें आती हैं, आपको पेट में एसिड बनता है, या पेट में हल्का हल्का सा पेन हो रहा है, या वजन एकदम से आपका घट रहा है, या पेट फूलने की समस्या हो रही है, ये सभी लक्षण होते हैं अल्सर के। अगर ये दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, और डॉक्टर जो भी सलाह देते हैं उनको मानिए। अगर वो दवा देते हैं, आप दवा से ठीक हो जाते हैं, तो ये जो प्रयोग है, ये जो घरेलू नुस्खे हैं, इनको आप कंटिन्यू रखिए, तो आपको अल्सर नहीं होगा और आपको अल्सर से छुटकारा भी मिलेगा। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।